जिस जगह पे हम लोगों ने आना था हम पहुंच आए। अंदर चलते हैं। वेरी डेंजरस, पूरी हिडन प्लेस है यार। अच्छा सो पब्लिक आए थे हम यहाँ पे किले का व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल लेके जाना। सो अब हम बाहर से घूम के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आना है, पहली बात आपको विजिटर कार्ड चाहिए, वो समानी वाली साइड से आना पड़ेगा आपको। और जहाँ से भी आओ, जहाँ भी आओ उनको बोलो कि हमें विजिटर कार्ड चाहिए, बिकॉज विजिटर कार्ड के बगैर आपको अलाउ नहीं करते यहाँ पे आने के लिए ना। तो कार्ड बहुत जरूरी है। चुप करो यार एक मिनट। सो अभी आपको थोड़ा बाहर से दिखा देते हैं किला, अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल। ए कौन से सन था तू याद है? आइंदे मुगल होंदे हां बैठे। ओए हकीकत दसो कितने साल लगो पता? 1627 भाषा मर गया। 1606 से यार माजे। इनको कोई पता नहीं था। किधर बाहर जाके देख। हां सर आजा फौत आ गया। ये तो जगह है नहीं, यहाँ से आप ये देखते होते थे इनकी सेफ पॉइंट थी यार। ये है कि तीर कुमार देखते हैं। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे मारते तीर कुमार। हाँ ओके मसला ये है कि अंदर व्लॉग बनाने नहीं दिया उन्होंने ना, अंदर मना किया। जगह बहुत अच्छी है, लेकिन आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आना है तो आपको विजिटर पास चाहिए। किसी भी चौकी से जब क्रॉस करोगे ना, उनको बोलना कि हमने बागसर जाना है, हमें विजिटर कार्ड चाहिए, वो मस्ट लेना है। 5 बजे पहले पहले और 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। 5 बजे से पहले पहले जिसने आना है, 5 बजे से पहले आ सकता है, बाद नहीं। सामने इंडिया की बॉर्डर है और वहाँ पे उनके मतलब आबादी भी नज़र आती है, सब कुछ बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आपको मज़ा आएगा। ये इस दौर के जो है ना, यहाँ पे बंदे बैठे हुए थे, ये देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक एरिया है। वे, वे, ओके डन। और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, जो भी आएगा ध्यान से। इस व्लॉग में हम लोग देख सकते हैं निकलो निकलो फुल फुल ये जंगीर जिसकी मैं तो खैर मुझे तो पता ही नहीं है यार, जंगीर कौन था? मुझे नहीं पता, ये उर्दू में चलते हैं, इंग्लिश हमसे थोड़ी आगे है। इंग्लिश से? ओ हाँ इंग्लिश में। जरा इधर ट्रांसलेट करके बता, पहले ट्रांसलेटर बुलाया अभी हमने। ट्रांसलेटर जरा बताने तरीके का आ रहा है, ठीक है? शाहजहान का जंगीर था। शाहजहान का जंगीर था, ये कौन है बंदा जरा तफसील के साथ आगाह करें। ये जंगीर था, सही है। जंगीर हेल्थ वाज एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक ऑफ अल्कोहल। जंगीर की जो वफात हुई थी ना, वो शराब ज्यादा पीते थे, इस वजह से जो है तो मुझे इसलिए पता नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश की वजह ना नहीं बुलाया। तेरी इंफॉर्मेशन एक मिनट, डिस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर डाइड इन द ईयर ऑफ एक्सोनरेशन। जहांगीर जो फौत हुआ 1627 का, मैं निकाल जो है काम की बात जो है, विल रिटर्निंग फ्रॉम कश्मीर, जब कश्मीर से जहांगीर आ रहा था एट द रीजन ऑफ सराय सदाबाद। यार ये वीडियो नहीं बना देंगे, वो एक मिनट रोला पा ना हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, नूरजान भी देखनी चाहिए। वो जहांगीर जब कश्मीर से वापस आ रहा था तब इसकी वफात हो गई थी, ठीक है? और ये बहुत अपने दौर का पावरफुल जो है वो रूलर माना जाता था, तो इसको जब वफात हुई है इसको यहाँ दफनाया, और उसी के कुछ अरसे बाद जो है जहांगीर को लाहौर शिफ्ट किया गया और लाहौर में दफनाया गया। उसके बाद जो है इसका बेटा जो है प्रिंस खुर्रम आल्सो नाउन एज शाहजहान, ये भी बहुत अच्छा जो है आगे आओ। यार आप लोगों को नहीं समझ आए ना, तो ये इसको पढ़ लेना, ये मैं इधर आप देख लेना, ठीक है? जलालुद्दीन अंबर, जलालुद्दीन वो कॉन्करर थे पबजी से, नहीं पूछूंगा कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। हां हां कॉन्करर थे यार, मेरे ख्याल से यार ऑफ द वर्ल्ड कॉन्करर मतलब फाते पबजी का कॉन्करर कभी वर्ल्ड का कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड इस फाते पे पूरी दुनिया कब्जा किया सी जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर तू इथे रह के गया, तू सानू पता ही कोई नहीं कैसे फुद्दू हां सी। ओ मुंडा कहंदा लाहौर दबया, तो मैं कह जाकर देखना, कहंदा उथे भी नहीं लब्बे।
सो गाइस आप ये बस यहाँ से पढ़ लेना यार, ये मैं इधर ये लगा रहा हूँ सही। नूर जान भी तो देख लो। अच्छा नूर जान यहाँ पे रह के गई है हमारे। ये नूर जान, नूर जान मामा, दो ही नूर जान यार, नूर वाली, नूर वाली। ये जहांगीर की वाइफ है ना उसका, ये इसके नाम पे ताजमहल बना था। जहांगीर की बीवी है ये। ताजमहल इसके नाम पे बना था, इसके नाम पे बना इंडिया में ताजमहल। हाँ जी जिंदगी पे क्यों ब्लॉग खराब कर रहे यार, सीरियस हूं मैं इस वक्त यार। उर्दू में है, उर्दू में कहां पे उर्दू नाम है, इंग्लिश खत्म हो गई है। इंग्लिश खत्म हो गई है। एक मिनट, द स्टोरी ऑफ नूर जहान सही है, इंपॉर्टेंट प्लेस जहांगीर की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हुकूमत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर रियल नेम वाज नेहरुल निसा एंड शी वाज द वाइडो ऑफ अ मुगल ऑफिसर। सही है, ये इसका जो असल नाम था वो मेहरुल निसा था और ये बेवा थी मुगल, उसकी क्या नाम है मुगल का, शाह अफगान खान जहांगीर, शेर अफगान जान जहांगीर। मैरिड हर इन 1611 में इनकी शादी हुई एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूर जहां ऑफ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब के वर्ल्ड की जो खूबसूरत रोशनी होती है ना, तो उसका लकब इसको दिया गया। अच्छा, था जहांगीर वाज रोमोज टू हैव हैड अ हैंड इन द डेथ ऑफ द, जब जहांगीर वफात पाया उसने अपना हाथ अपनी बीवी के हाथ में दिया। बट देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव डेट ही वाज गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। इन फैक्ट द मोस्ट ट्रेवलर्स रिपोर्ट्स से दैट ही मेट हर आफ्टर शेर अफगान्स डेथ, कि इसका मतलब कि कोई ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं मिलती कि उसका मतलब मारा है, हालांकि उसको जो शेर अफगान को। नूर जहां हैड शार्प इंटेलिजेंट वर्सटाइल टेंपर एंड साउंड कॉमन, मतलब कि अच्छी खूबसूरत में प्यारी सब सब थी। शी वाज डिवोटेड टू जहांगीर, मतलब के बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जैसे आजकल इसकी दुनिया ही भूल गई है, पबजी खेल रहा है, ऐसे मतलब के बहुत प्यार करता है। चलो उर्दू पढ़ लेने। मशहूर मुगल शहनशाह जहांगीर कश्मीर से वापसी पर 1627 में सराय सईदाबाद के करीब वफात पा गए। जिस्म को महफूज रखने के लिए शहनशाह के अंदरूनी इज़ा को निकाल कर यहाँ दफन कर दिया गया। बाद हजार जिस्म को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। गर्द फरदोस ए शेर है भाई, गर्द फरोज रूए जमीन में अस्त हमें अस्त वहीं में अस्त हमें अस्त। जहांगीर का यह शेर था, बहुत जो है किधर गया कैमरामैन, तो ये जहांगीर का ये कैमरा तो ये जहांगीर जहांगीर की कबर यहाँ, और यार मुझे तो पता मतलब नहीं मैं कबर जो अंदरूनी हिस्सा है को निकाल कर यहाँ दफन किया गया है, और जो दूसरे नहीं इधर थोड़ी देर रखा है उन्होंने, बाद में भाई वो लिखा हुआ है अंदरूनी को निकाल कर यहाँ दफन कर दिया गया, बाद में जिस्म को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, कुछ चीजा इतने थे तो कुछ लाहौर जिस यानी ओजरी इतने, हाँ जी बाकी फेफड़े उधर। जहांगीर एक बहुत कामयाब बादशाह था, जिस तरीके से अच्छा मैंने नहीं पता जहांगीर के बारे में, जगह का नाम है बक्सर, अगर आप कोई आना चाहे तो जरूर यहाँ पे चक्कर लगा सकता है, लेकिन ऐसे तो स्टोरी बनवानी पैनी है किसी को। चलो निकले पब्लिक, जो बक्सर नाम है ना जगह का, बक्सर बागसर, वो ये किला नहीं है, वो नीचे गाँव है उसका नाम है। वो गाँव यहाँ से सही नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर से बनाने नहीं दे रहे थे वीडियो, और यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहे। वो सामने झील है, उसकी भी स्टोरी है लेकिन पक्का नहीं पता क्या स्टोरी है, लेकिन आपस में इस किले का उस पिंड का आपस में कनेक्शन था, क्योंकि अब हमारे पास कोई पुराना बंदा है नहीं जिसको ये पूरी डिटेल है, हम सारी यंग जनरेशन है इनको इतना इलम नहीं है, मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है। लेकिन जो भी है, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत भी हो गई तो इसलिए सॉरी, बिकॉज हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने कॉल ही पही है, उन्होंने कड्डो पहले ठीक हो। तो यहाँ का व्लॉग अभी करते हैं एंड, तो हमें दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओए राह बनता है, राह बनता के और रास्ता बनता ना, रास्ता खोलेंगे हम आज। और चोकला प्रोजीड चुपकन गई थी, और नहीं रास्ता दे दे।